चलो आप बता देंगे इसके बारे में। यस ठीक है। इस वेपन का नाम 6 असॉल्ट राइफल 716 है। इसे अमेरिका ने बनाया हुआ है। इसका कुत्तर 7.62 mm है। इस हथियार से हम एक मिनट में 850 राउंड को फायर कर सकते हैं। 850 राउंड को। इसके मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। इसका टोटल वेट 3.82 kg है। इस वेपन को बाकी वेपन से अलग सुविधा दी गई है, जैसे कि इसमें दो साइड से मैगजीन कैच दिया गया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। उसके बाद चेन लीवर की भी सिस्टम दोनों साइड से, जिससे लेफ्ट एंड राइट हैंडेड फायर दोनों भी इसे आसानी से फायर कर सकता है। इसमें जो साइड सिस्टम दिया गया है उसे ओपन साइड बोलते हैं। इसलिए दोनों एडजस्टेबल है, जैसे कि फायरर ने अगर फायर कर दिया, उसको लगा कि गोली आपने जहाँ लगनी चाहिए थी वहाँ नहीं लग रही है, तो आपने हाथों से उसे एडजस्ट करके गोली को आप टारगेट पे ला सकते हो। उसके बाद लंबे कद वाले फायरर और छोटे कद वाले फायरर के लिए इन्होंने बट की सिस्टम एडजस्टेबल की गई है, जैसे आप लंबे कद वाले फायरर को लंबा कर सकते हैं। इसमें सेफ्टी, इस हथियार के अंदर एक अच्छी सेफ्टी है। यदि अगर इसका खाली मैगजीन लगा हुआ है तो इस हथियार को कॉक करने के बाद चाल वाले पुर्जे आगे नहीं जाते और हथियार वही रुक जाता है। बाकी वेपनों से इसमें ऊपर की तरफ रेल पिकेटिंग दिया गया है, जिससे हम जो नाइट साइट का इस्तेमाल करोगे इसे आप अपने आँखों के और कद के हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हो। इंसास में यूबीजल लगा हुआ है, जैसे अगर इस हथियार में यूबीजल को लगाना है तो भी इसमें नीचे से पिकेटिंग रेल की सुविधा दी गई है। इसका कुत्तर 7.62 mm होने के कारण ये बाकी हथियारों से इसकी हीटिंग पावर ज़्यादा है और किलिंग का शक्यता, किलिंग भी ज़्यादा करता है बाकी हथियारों से। और हल्का वेपन है, लोहे का ये बना हुआ नहीं है, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है और अमेरिका का बना है। अभी इंडिया में 2019 में ये आ गया। इसका बैरल गर्म हो जाता है। लगातार 2000 राउंड अगर आप फायर करोगे तो इसका बैरल गर्म हो जाता है। 800 राउंड से इससे ज्यादा असर नहीं होता है। अगर बैरल गर्म भी हो जाए तो एल्यूमिनियम का ये बार से इसका पिकेटिंग दिया गया है, तो फायरर को कोई नुकसान नहीं हो सकता उससे। उसका रेंज बताए नहीं सर। इसका रेंज 500 मीटर है। एक्यूरेट रेंज 500 मीटर है इसका। ठीक है जी। हाँ।